अब ये बताओ, योगी जी सिर्फ मंदिर और मस्जिद पे जाते हैं, ये मुख्यमंत्री काम होते हैं क्या? ये मुख्यमंत्री को तो अपनी राजनीति से काम होता है। अजय ना सरकार आए तो हम कौन सा अपने फेर बच्चों को अपहरण करवाओगे, कब मरवाओगे? मुख्यमंत्री हमने देखा कोरोना काल में, मुख्यमंत्री हॉस्पिटलों में घर घर गया योगी। पीएम साहब अपने होल्डिंग पे प्रचार पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे। गठबंधन वाले की बढ़िया सरकार है भाई, हम तो पिछली जहां बिल्कुल भाजपा वाली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पाल और आज हम मौजूद है सदर विधानसभा के गांव बिलासपुर में और अब हम पहुंच चुके हैं चाय की दुकान पर। यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, चलिए उनसे थोड़ी चुनावी चर्चा करते हैं कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में जनता क्या चाहती है, परिवर्तन चाहती है या फिर वही? तो चलिए बात कर लेते हैं। आपका नाम? सलीम। इस बार आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में आप क्या चाहते हो, सरकार परिवर्तन चाहता है या फिर वही? परिवर्तन चाहते हैं हम तो, परिवर्तन। क्यों, वजह बताइए। वजह क्या, मतलब लाइन में लगे रहे पड़े बस। यानी कि आप पिछली सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, उनके कार्यकाल से आप कितने खुश हो? नहीं, सरकार तो ठीक है जी। सरकार सही है तो कुछ करनी है, सरकार बढ़िया है बहुत। विकास के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? विकास भी ठीक हो रहा है। तो फिर ऐसा क्यों कि आप कह रहे हो कि परिवर्तन चाहिए? उसमें और अच्छा होगा, परिवर्तन होगा तो जी। तो चलिए कुछ और ग्रामीण मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम? मोहम्मद इरशाद। इस बार आप क्या चाहते हो, आपका क्या मूड है? मूड तो सही है और क्या, क्या चाहते हो आप इस बार आगामी विधानसभा चुनाव 2022? सरकार तो बढ़िया है, सरकार में तो कोई कमी नहीं है, सब काम चल रहे, रोड ही बन रहे, सब काम हो रहे, लेकिन बेरोजगारी की बहुत समस्या। यानी कि बेरोजगारी के मुद्दे, बेरोजगारी बहुत समस्या। जो भी काम हो रहा, रोजगारी पे कोई नहीं बोल रहा, सब पार्टी के पक्ष में फिर रहे हैं बस। तो आप क्या चाहते हो इस बार? हम तो यही चाहेंगे कि भाई बढ़िया काम हुए, सरकार कोई सी भी बने, हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, सरकार कोई सी भी बने, लेकिन काम जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए। हाँ, तो आप पिछले विधायक और जो पिछली सरकार थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, पिछली सरकार वो भी ठीक, उसके टाइम में भी काम ठीक था। और विधायक कपिल देव अग्रवाल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, उसके कार्यकाल के बारे में? कार्यकाल उसका भी ठीक ही रहा, अपना कार्यकाल तो ठीक ही रहा, अच्छा ही रहा है। तो इस बार आप क्या चाहते हो, किसकी पार्टी को सपोर्ट करोगे? हम पार्टी पक्ष में नहीं आए, हम तो उसके हैं जो सही काम करेगा जनता के। हाँ, जनता के हित के लिए जो काम करेगा उसके लिए। तो चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम? मोहम्मद दीन चौधरी। इस बार आप क्या चाहते हो, आपका विधायक कैसा होना चाहिए और आप विधायक किसे बनाना चाहोगे? देखो तो जनता के ऊपर है, जैसे भी जो भी अच्छा है। आप अपनी राय बताओ। राय तो फिलहाल तो सरकार यही ठीक है, बीजेपी ठीक है। बीजेपी सरकार से आप खुश हो? हाँ, खुश है। कुछ अच्छे कार्यों के गिनवा उनके। बहुत अच्छे कार्य है, अजय ना सरकार आए तो हम कौन सा अपने फेर बच्चों को अपहरण करवाओगे, कब मरवाओगे? बताओ तो कुछ अच्छे काम तो गिनवाओ उनके। गुंडागर्दी, लॉन ऑर्डर बढ़िया है और दुनिया भर का राशन मिल रहा है, दुनिया भर की बिजली, आज तक हमारी 50 साल की उम्र आ गई, हमने तो ऐसी बिजली देखी नहीं है जी। अजय पत्ता हल्का 6 दिन तक बिजली नहीं आवती, और वहाँ कहीं धरनार कहीं पर्दा से बिजली आवती है जी। चलो अब बिल अच्छा मिल रहा था, लेकिन खाना तो टाइम पे मिल रहा, रोशनी में मिल रहा, खाना बढ़िया मिल रहा है जी, सब चीज़ सुविधा अच्छी है। तो हमारे साथ मौजूद थे ग्रामीण, उन्होंने बीजेपी सरकार के कुछ अच्छे कार्यों को गिनवाया और कहा कि बीजेपी सरकार ही अच्छी है। तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? नदीम। इस बार आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में आप क्या चाहते हैं? अखिलेश। बीजेपी सरकार के कार्यकाल से आप खुश नहीं हो? क्या कार्यकाल किया, कुछ भी, 10 साल हो गए, दो उनकी, दो क्या कार्यकाल किया ये बता दो। सरकार कहती है कि हमने महिलाओं को सिलेंडर दिए हैं। अच्छा, और राशन दिया है। सिलेंडर भरवाएगा कौन, वो एक पहले 400 का था, अभी 1000 रुपए 1200 का है। सरकार तो बोलती है ना इस बारे में। पेट्रोल का भाव भी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, आप मुझे 5 काम गिनवा दो। आप सपा के गिनवाएंगे? सपा ने पिछली बार काम नहीं किया बताओ, पेंशन योजना दी, सब महिलाओं को मिली, वृद्धा योजना मिली, साइकिल मिली, लैपटॉप मिले, मिले नहीं मिले, हमें कितने लैपटॉप साइकिल दे दी, चाहे 10 को ज्यादा, ये बताओ मिले या नहीं मिले? दुनिया भर का राशन मिलना, मकान मिले, दुनिया भर की सुविधा,
राशन मिल रहा, रोजगार नहीं होगा तो राशन क्या करेंगे, खाली घर बैठ के खाएंगे। कुछ ना दिया 70 साल में रोजगार उन्होंने दिया। कौन सा इंडस्ट्रीज एरिया है यहाँ बताओ? मायावती सरकार ने दिया है यहाँ। किसे नौकरी मिलेगी? UPSC के चार बार पेपर रद्द हो गए। राशन ने ज्यादा रोजगार चाहा। एक बात तो बताओ, रोजगार की कौन सी सरकार ने रोजगार दे दिया? ना जोर चावल ले कौन सी सरकार दे रही दे नहीं का सब क्या दो भाई? जब रोजगार नहीं होगा तो करेंगे क्या? ना जोर चावल ही खाएंगे। बताओ रोजगार भी मिलेगा। हमारी चल रही है वर्ल्ड लेवल की, पहले बात तो सुनो, बात सुनो। गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है कि वो हर एक आदमी को रोजगार नहीं दे सकती, चाहे सपा आ जाए, अभी BJP है प्रेजेंट में, कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए। ये है कि मुख्यमंत्री, हमने देखा कोरोना काल में मुख्यमंत्री हॉस्पिटलों में घर घर गया, योगी बाबा उसका एक मिसाल है 70 साल में। गवर्नमेंट को सबसे, गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट में सही है, BJP तो सही है। सुरक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले अभी का तो टंच है बिल्कुल। रहा अभी कोरोना काल चल रहा, धीरे धीरे जो है ना कवर कर लेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो बहुत बढ़िया काम कर रही है मेरे, हम लोगों के हिसाब से। बाकी विचारधारा अपनी अपनी है लोगों की, जिसका मन जाओ। क्या चाहिए? बिजली पानी खाना और क्या हो सुजन है? बिजली पानी बिजली मिलनी ना। मेरी बात कितनी होगी, यूनिट कितनी होगी आप बता दो। नहीं मिलेगा, नहीं यूनिट का देखो महंगाई। मेरी बात फ्री 300 मिनट दिल्ली में फ्री मिलती 300-800 रुपए महीना होता बीजेपी की। सरकार आप क्या चाहते हो? जब अखिलेश जी की गवर्नमेंट परिवर्तन चाहते हो, सरकार में परिवर्तन चाहते हो, बताइए क्यों? हम लोग परिवर्तन इसीलिए नहीं चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो शुरू किया है उसे अंजाम को क्या करा बताओ भाई। 5 काम गिनवाते मेरे भाई भाजपा। हो गया क्या आपको दैनिक जरूरत क्या चाहिए? फ्लाई ओवर बनाने दे, वे शौचालय बना के रख दिए, आदमी भूखे मरेंगे, शौचालय में क्या करेंगे? बताया ना सपा ने, बताओ तुम्हें बताया नहीं? अभी लैपटॉप भी दिया उन्होंने, मान लिया 90% काम पूरा कंप्लीट नहीं किया लेकिन 50 तो किया भाई। जो उन्होंने वादा किया था 100 नंबर की गाड़ी, ये 100 नंबर की गाड़ी उन्हीं की थी, जब पुल थे उन्हीं का प्रोजेक्ट था बना हुआ, जो ये काम करा रखा इन्होंने। अब ये बताओ, योगी जी सिर्फ मंदिर और मस्जिद पे जाते हैं, ये मुख्यमंत्री काम होते हैं क्या? नहीं, मुख्यमंत्री काम होते हैं, योगी साहब मस्जिद बनाते हैं जनता। ये मुख्यमंत्री को तो अपनी राजनीति से काम होता है, ये मंदिर और मस्जिद जाने में राजनीति से लेके जा रहे हैं। बताइए देश में, यानी इस बार आप क्या चाहते हो? परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हो? 15 लाख खाते में आएंगे, बताओ किसी एक के आए क्या? 5,000 भी आए क्या? मिला किसी को कुछ? मकान मिल जाए, राशन मिल जाए, सब चीज मिल रही भाई। मेरी बात सुनो, बता रहे हैं होल्डिंग आदमी होल्डिंग पे मकान में, बताओ कौन सा आदमी है? सुनो PM साहब अपने होल्डिंग पे प्रचार पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे। सरदार भाई वो मूर्ति बनाई 3,000 करोड़ में, अगर जनता को देते तो कितना फायदा होता? उस मूर्ति का क्या काम है, वहाँ खाने को मिल जाएगा? चलिए हमारे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद है, उनकी भी राय जान लेते कि वो क्या चाहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद अनवर। आप क्या चाहते हैं इस बार? बस यही चाहते हैं कि काम सही हो, और क्या चाहते हैं जी? किसकी सरकार को? BJP या फिर गठबंधन? गठबंधन वाले की। गठबंधन? क्यों, वजह बताइए। गठबंधन वाले की बढ़िया सरकार है। और जो पिछली सरकार थी और जो पिछले विधायक थे उसके कार्यकाल से आप कितने खुश हो? जो पिछली तो अखिलेश की थी, जो अभी चल रही है। अच्छा, नहीं ठीक है जी, ये भी ठीक है, मगर वो इससे भी ठीक है। अच्छा, वो इससे भी ठीक है। इस बार आप भी सरकार परिवर्तन चाहते हो? हाँ जी। आप क्या कहना चाहोगे? भाई हम तो पिछली जहाँ बिल्कुल भाजपा वाली हाँ, बहुत ही अच्छी बात, खाने को भी मिल रहा भाई, तेल भी दे रहा, बता जो तेल दे रहा उसका कैसे उतारेंगे हम? और नमक खा लिया, और जब नमक खा लिया तो बता उसका कैसे करेंगे भाई? भाजपा को देंगे हम तो। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद थे, उन्होंने BJP सरकार को सपोर्ट किया है, कहा कि उसके कार्यकाल काफी अच्छे हुए, लेकिन कुछ लोग यहाँ विपक्ष में भी थे, उन्होंने कहा कि वह सपा को सपोर्ट करेंगे, वे BJP कार्यकाल से बिल्कुल ना खुश नजर आए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं ऐसी कुछ खास खबरों के साथ।